हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आप लोग को बेबी बर्थ ब्लॉग कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आप लोग के बहुत सारे कमेंट्स आए हैं, बहुत सारा लाइक मिला, बहुत सारा प्यार मिला, तो उसके लिए बहुत सारा थैंक यू। और कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप लोग को ब्लॉग कैसा लगा। और आज एक स्पेशल डे है हर जेंट्स और लेडीज़ के लिए, क्योंकि आज करवा चौथ का दिन है। तो उसके दिन सभी लेडीज़ अपने हस्बैंड के लिए करवा चौथ का व्रत रखती हैं उनकी लंबी उम्र के लिए। तो आज का दिन मेरे लिए भी बहुत स्पेशल है, क्योंकि मेरी वाइफ निशु ने भी व्रत रखा है। देखिए, रेडी तैयारी कर रही है। अपन निशु का सी सेक्शन हुआ, इस वजह से काफ़ी दिक्कत में भी है निशु। बट मैंने मना भी किया कि इस बार व्रत ना रखो, बट निशु ने कहा कि ये रीजनल है हम लोग का, तुम लोग ज़रूर इसको रखेंगे। और वो कह रही थी मैं इस व्रत को मिस नहीं करना चाहती हूँ। अब तो हमने भी कहा कि मैं पूरा सपोर्ट करूँगा। और आज मैंने छुट्टी भी ले ली है, मैं आज निशु के साथ हूँ, मैं निशु का पूरा सपोर्ट कर रहा हूँ। अभी आपको गाइस निशु से मिलवाते हैं। इस बार हम लोग बाहर शॉपिंग करने भी नहीं जा पाए, तो निशु ने कुछ ऑनलाइन ऑर्डर किया है। सारा सामान देखिए, आप लोगों को गाइस दिखाते हैं। देखिए, निशु का सामान सारा फैला हुआ है। अभी निशु देखिए नेल पेंट लगा रही है। तो ऐसा आपको दिखाते हैं, क्योंकि हम लोग बाहर नहीं जा पाए, तो इस वजह से निशु ने मैक्सिमम शॉपिंग ऑनलाइन ही की है। और ये देखिए, निशु के यहाँ से आया, मायके से आया हुआ है सामान। दोस्तों चलिए आपको निशु से मिलवाते हैं। ये देखिए, निशु नेल पेंट लगा रही हैं। हेलो निशु। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? तो फ्रेंड्स, मैंने नेल पेंट लगा लिया, ये देखिए मेरी नेल पेंट लग गई है। मुझे तो मुझे काफ़ी अच्छी लग रही है। हाँ, और मेहंदी तो मैंने कल ही लगा ली थी, ये मुझे पूजा ने लगा। और ये देखिए फ्रेंड, ये इसको मैंने ऐसे ही लगा लिया था, क्योंकि बेबी बहुत परेशान कर रहा था, वो रो रहा था। तो ये देखिए, ये और फिर मैंने वो ज़्यादा रोने लगा, तो मैंने इस जब मेरा बेकार भी हो गया था, फिर मैंने जल्दी जल्दी धुल लिया था। इसलिए मैंने हर बार मैं बहुत अच्छी मेहंदी लगवाती थी, और इस बार बस मैंने ऐसे ही लगा लिया, क्योंकि रात में ज़्यादा टाइम हो गया था। हाँ। और बेबी भी काफ़ी रो रहा था, तो जल्दी से आधे घंटे के अंदर ही वो जितना समय मिला, 15-20 मिनट के अंदर जितना लगा पाई उतना लगा लिया गया। और अभी बेबी नीचे है मम्मी के पास में। हाँ, अभी निशु सब तैयारियाँ कर रही है, तो हम तब तक हम लोग भी, बेबी अभी दूध पीने के बाद अभी सो रहा है, तो उसको भी नीचे ही है। अभी आप लोग से गाइस मिलवाते हैं उनको। हाँ फ्रेंड, क्योंकि मेरी भी तबीयत अभी पूरी तरीके से ठीक नहीं थी, इसलिए बेबी को देखते हुए मैं सब नहीं कर पाती, और वो रोने भी लगता है अभी छोटा है। हाँ, निशु काफ़ी जिद भी कर रही थी कि मुझे फास्ट रहना। मैं मना भी कर रहा था कि इस बार स्किप कर देते हैं, बट नहीं, छोड़ थोड़ी ना सकते, छोड़ा नहीं जाता है ऐसे। हाँ, निशु ने कहा इसे छोड़ा नहीं जाता है, करना है तो फिर ठीक है, मैं सपोर्ट करूंगा। मम्मी ने भी कल सामान भेज दिया था शगुन का, जो भी। गाइस, मैं आपको अपना सामान दिखा देती हूँ, क्या क्या सामान मम्मी ने भेजा है। आराम से निशु। मुझे खांसी, निशु को थोड़ी खांसी भी हो गई है। तो फ्रेंड्स, मैंने नेल पेंट तो लगा लिया, पर ये कलर है, अभी इसको लगाना है पैर में। मैं लगा रही थी तो आधे में मेरा लग पाया था, और पूरा नहीं लग पाया था। तब तक तो बाबू रोने लगा था, तो मैं उसको देखने चली गई थी, फिर उसको मैं उससे लो नेल पेंट कर लेती हूँ, फिर मैं इसको लगाऊंगी। और गाइस, ये देखिए मैं आपको दिखा दूँ। गाइस, मैंने तो इस बार कोई सामान ही नहीं खरीदा, क्योंकि मैं बाहर जा ही नहीं पाई, तो ये मम्मी ने मुझे साड़ी भेजी थी, देखिए मेरी साड़ी है, जिसका ब्लाउज भी बन चुका है, मम्मी ने बनवा के भेजा है, तो मैं इसी बार पहनने वाली हूँ। और गाइस, ये देखिए मेरे, ये देखिए फ्रेंड्स, ये सेट मैंने खुद से बनाया है, क्योंकि मैं सामान कुछ लेने नहीं जा पाई थी, तो इसलिए मैं बनवा नहीं पाई। मैंने क्या, मेरी मम्मी ने ये कलर वाली चूड़ियाँ भेज दी थी, और ये जो है ये सब मेरी पुरानी चूड़ियाँ हैं, पुराने कंगन है, उनको मिला के सब में से मैंने ये सेट अपने आप। ये देखिए, इनका निशु का पुराना कलेक्शन है, तो इसी में से निशु ने बनाया हुआ है, इसी में से सेलेक्ट करके मैंने इसे बना लिया। अब आप देखिएगा कि ये मेरी साड़ी से मैच कर रहा है कि नहीं, इसे मैंने बाहर से नहीं बनवाया, मैंने इसे खुद से सेट किया है, सारी चूड़ियों में से, पुरानी सेट चूड़ियों में से निकाल करके। और गाइस, हाँ गाइस, मैं आप लोगों को और मैं आपको ये दिखाती हूँ मैंने अपने लिए क्या मंगवाया बाहर से। इसे मैंने ऑनलाइन शॉपिंग की है, अगर आप लोगों को चाहिए तो मैं इसका लिंक दे दूंगी।
ये देखिए फ्रेंड्स, ये है और एक ये, और फ्रेंड्स ये देखिए मैंने ये मंगाया है दीपक, रंग बिरंगे दीपक, ये 3D दीपक है, क्योंकि मैं अब मम्मी को भी बहुत काम है, पूजा भी बिजी, बाबू को भी देखना रहता है, बेबी को भी, तो हम लोग रंगोली नहीं बना पाएंगे, इसलिए मैंने ये 3D दीपक ये मैंने ये कर लिए, मंगा लिया है, इसमें इसको ये दिया हुआ है, इसको लगा के जलाने से ये रंगोली जैसा बनता है, मैं इसको आपको जला के दिखाती हूँ। मैंने सोचा जब तक ये ऑयल लेके जाते हैं क्यों ना मैं कलर लगा लूं, यार मैं पर मैं इसे सही से लगा नहीं पा रही हूँ, क्योंकि मेरे पेट में भी बेल्ट भी बंधी हुई है, इसलिए मुड़ने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, फिर बस ऐसे ही लगा ले रही हूँ, इस तरह तो मैंने लगा लिया है। गाइस ये देखिए क्या, ये कैसा पुत गया वो, मैं घूमने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी इसलिए मैं उसे ठीक से लगा नहीं, पर कोई बात नहीं लग गया। मैं इसको एक एक दिए को ट्राई करके देखती हूँ, और इसके बहुत सारे हैं, ये देखिए इसे टच कर लो, ये डिजाइन है, ये देखिए हार्ट शेप है, पूरे 12 का सेट है, चलो देखती हूँ ये वाकई भी 3D है कि नहीं। अभी गाइस आपको लाइट बंद करके दिखाते हैं, ये देखिए गाइस ये 3D में दिया है, काफी प्यारा लग रहा है, जब ये मैं सारे इसके टोटल 12 उन्होंने सेट दिए मुझे, इसको सारे लगाएंगे तो इसकी बहुत अच्छी रंगोली भी बन जाएगी, मुझे रंगोली भी नहीं बनानी पड़ेगी, तो देख मैं इसको बंद करके रख दे रही हूँ।